रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग। इस अध्याय में हम रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के गणितीय मॉडल और उनको हल करने की आलेखीय विधि का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं व्यावसायिक गतिविधियों में मैनेजमेंट प्रबंधन का कार्य यह होता है कि परिणाम इष्टतम हो, कि साधन संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और उनका आवंटन वो इस प्रकार से करना चाहते हैं कि लाभ अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो। तो रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय विधि है जिससे इस प्रकार की समस्याओं का हल किया जा सकता है, जिनमें जो उद्देश्य और प्रतिबंधों को व्यक्त करने वाले फलन जो हैं उनमें विद्यमान चर एक घातीय हो। तो हम देखते हैं कि दैनिक कार्यों या विशेषतः व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में उपलब्ध सीमित साधनों का आवंटन इस प्रकार से करने की कोशिश की जाती है कि परिणाम इष्टतम हो, ऑप्टिमम हो, अर्थात लाभ अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो। रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय विधि है जिससे ऐसी समस्याओं का हल किया जा सकता है जिनके उद्देश्य और प्रतिबंधों को व्यक्त करने में फलनों में विद्यमान चर एक घातीय हो। अब हम रैखिक प्रोग्रामन समस्या के मुख्य अवयवों के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैखिक प्रोग्रामन समस्या के मुख्य अवयव। यहाँ हम देखते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के जो मुख्य अवयव हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, दूसरा है कंस्ट्रेंट्स, प्रतिबंध, और तीसरा है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ऋणेतर प्रतिबंध। हम पहला देखते हैं उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहला है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समस्या में समाहित चरों का वह एक घातीय फलन जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य को निर्धारित करता है उद्देश्य फलन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि लागत संबंधित समस्या में हमें लागत को न्यूनतम करना होता है और लाभ संबंधित समस्या में हमें लाभ को अधिकतम करना होता है। तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं जिन्हें हम किस रूप में व्यक्त करते हैं कि न्यूनतम करो z बराबर c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn, इस प्रकार के, क्योंकि न्यूनतम करो की समस्या होगी, न्यूनतम करो यदि उद्देश्य है तो लागत संबंधित समस्या होगी, और यदि अधिकतम करो है तो z बराबर c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn लाभ संबंधित समस्या को व्यक्त करता है। तो उद्देश्य फलन हमें क्या बतलाता है, यह रैखिक प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य को निर्धारित करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो c1, c2, c3, cn हैं, ये चरों x1, x2, xn के संगत लागत या लाभ को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने उद्देश्य फलन के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं दूसरा मुख्य अवयव, अर्थात प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट। उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चरों में एक घातीय संबंध जो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या बराबर द्वारा अचर राशि से संबंधित होते हैं रैखिक प्रोग्रामन के प्रतिबंध कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। और इन्हें हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1nxn ग्रेटर देन इक्वल टू है b1 के, या लेस देन इक्वल टू b2 के, या ग्रेटर देन इक्वल टू b2 के, इत्यादि।
तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या बराबर द्वारा अचरों से संबंधित होते हैं ये फलन ये जो ये कहलाते हैं प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट्स। अगला हम समझते हैं ऋणेत्तर प्रतिबंध नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो तीसरा मुख्य अवयव है ऋणेत्तर प्रतिबंध नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में प्रयुक्त होने वाले सभी चरों का मान अऋणात्मक होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी भौतिक चर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम रुपए की बात कर रहे हैं हमने चर को रुपए मान रखा है या चर को हमने हमने मान रखा है कि छात्रों की संख्या या चर को हमने मान रखा है लंबाई, तो क्योंकि ये भौतिक चर हैं ये कभी ऋणात्मक हो नहीं सकते इसलिए इन चरों को हमें सदैव धनात्मक दिखाना होगा और ये कहलाते हैं ऋणेत्तर प्रतिबंध या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो चरों x1, x2, xn के लिए जो ऋणेत्तर प्रतिबंध है वो क्या है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम समझते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल निकालने की विधियां किस प्रकार हैं। रैखिक समस्याओं का हल निकालने की जो विधियां हैं उनमें एक विधि है सिंप्लेक्स विधि और एक विधि है आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग तब होता है जबकि दो या दो से अधिक चर हों और आलेखीय विधि दो चरों के लिए है। यहाँ कोणीय बिंदु विधि कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा सम लाभ या सम लागत विधि आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड, इन दो विधियों का आलेखीय विधि में प्रयोग होता है। तो आलेखीय विधि में जो हम प्रयोग करते हैं वो कोणीय बिंदु विधि कॉर्नर पॉइंट मेथड या आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड, सम लाभ या सम लागत विधि। सिंप्लेक्स विधि दो या दो से अधिक चरों के लिए होती है और इसका अध्ययन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो प्रबंधन पढ़ते हैं वो करते हैं। तो यहाँ हमारा जो स्कोप है वो आलेखीय विधि पर ही आधारित है। अब हम देखते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये समस्याएं मुख्यतः उत्पादन संबंधित हो सकती हैं या ये आहार संबंधित हो सकती हैं या ये परिवहन संबंधित हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से जो रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं जिनका अध्ययन किया जाता है या जिनका अध्ययन यहाँ हम करेंगे आलेखीय विधि में वो उत्पादन संबंधित समस्याओं से संबंधित हैं या आहार संबंधित समस्याओं से संबंधित हैं या परिवहन संबंधित समस्याओं से संबंधित हैं। अब हम रैखिक प्रोग्रामन संबंधित प्रश्नों को दो चरों के लिए आलेखीय विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं।